अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं फिर दोबारा मिस्टर नबील साहब के साथ हाज़िर हुआ हूँ। लास्ट जो हमने वीडियो अपलोड की थी उस पर काफ़ी दोस्तों का अच्छा रिस्पांस आया है और काफ़ी दोस्त जो है वो पूछ रहे थे फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के बारे में, और आज हम सर से डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने जो है वो अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम दिया। काइंडली मुझे ये बताएं कि ये फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम एंड FST में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन थैंक यू सुलेमान फॉर कमिंग ओवर अगेन। ये काफ़ी ये बड़ा उससे बात ह्यूमिलिटी से बात करते हैं, इनको बहुत सारे रिस्पांस आए हैं पिछली वीडियो पे, मतलब इन्होंने जो अपने शेयर किए स्टैटिस्टिक्स राइट के बहुत ज़्यादा रिस्पांस आए इनको हमारी पिछली वीडियो पे कि जी के पीपल आर आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्वियसली इतने टॉपिक्स उसमें डिस्कस हुए थे। देखिए कमिंग बैक टू हिस क्वेश्चन, जो इनको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम का। फेडरल स्किल्ड वर्कर क्या होता है जी? फेडरल स्किल्ड वर्कर वही प्रोग्राम है जो जिसके तहत मैं आया था आज से तकरीबन 20 साल पहले। ठीक है जी, वो ऑब्वियसली वो इवॉल्व होता है विद डिफरेंट थिंग्स। पहले ये 100 पॉइंट्स का प्रोग्राम था, ठीक है जी, अब ये उन्होंने आउट ऑफ 1200 पॉइंट्स कर दिए, इसको CRS कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग स्कोर। ठीक है, उसमें से 600 पॉइंट्स आपके अपने ह्यूमन फैक्टर्स के होते हैं, ठीक है, और बाकी 600 पॉइंट्स आपके PNP के होते हैं। ठीक है जी, वो ऐसे उन्होंने 1200 बनाया। फेडरल स्किल वर्कर का मतलब ये है कि एनीबडी हु इज़ आउटसाइड कैनेडा, ठीक है जी, हु वांट्स टू इमिग्रेट टू कैनेडा, ठीक है जी, एंड इज क्वालिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन, लैंग्वेज स्किल्स, एज वगैरह, वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है जी, अब ये दिस इज़ द क्राइटेरिया ऑफ, अब क्राइटेरिया क्या है, कितना टाइट है, कितना लूज है, कितना लीनियंट है, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन फेडरल स्किल्ड वर्कर समबडी हु आइडियली, मतलब जो लास्ट बिफोर दीज डॉज मतलब फिनिश्ड, तो जो 470-80 पॉइंट्स वाले, 470-480 पॉइंट्स वाले जो लोग थे वो कैसे आते थे? उसके मैं आपको थोड़ा ब्रेक डाउन दे दूँ कि दे यूज टू कम थ्रू दैट दे आर अंडर 30, ठीक है, एज होगी आपकी, IELTS आपका CLB 8, ठीक है जी, दैट मीन्स लिस्टिंग में 8 एंड रेस्ट 7.5 मोर लेस, ठीक है जी, आपका एक्सपीरियंस 3 years or more, एजुकेशन इक्विवेलेंसी आपकी 18 years or more, दैट मीन्स मास्टर्स डिग्री। ओके, ठीक है जी, तो ये आपका जो बनता है अबाउट 470-480 पॉइंट्स आपके इस तरह बनते हैं। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है। अच्छा, अब हमसे जो आपका नेक्स्ट सवाल आया प्रॉब्लम के जी, कि जो लोगों के पॉइंट्स 470-480 नहीं बनते, यस, जो 36 ईयर्स ओल्ड हैं या जो 40 ईयर्स ओल्ड हैं, ये वो क्या करें? एग्जैक्टली, ठीक है, देखिए उसमें होता ये था कि मैं पहले भी कहता हूँ कि अगेन आई एम वेरी ऑनेस्टली ट्रांसपेरेंटली सिंसियरली आपको पता है सर हम काम करते हैं कि देखिए एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाने में कोई हर्ज नहीं है। ओके, अगर आपके पास आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास अपना, द ओनली थिंग दैट यू मे बी लैकिंग इज़ कि किसी में आपका 6.5 आया होगा, बाकी दो में आपका 7 होगा, एक में आपका 8 होगा। Exactly. ठीक है, या आप कहते हैं यू आर बिकॉज ऑफ योर एज यू आर 35, ठीक है, या बिकॉज यू डोंट हैव मास्टर्स डिग्री, आपके पास 16 ईयर्स एजुकेशन आ गई, या आपके पास आ गई 16 ईयर्स एजुकेशन प्लस 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। दैट्स राइट, ठीक है जी, तो आपके पास एक्सपीरियंस आपका 10 साल का है, तो आइडियली देखिए आप लोग आइडियली यू आर बेस्ट सूटेड फॉर Saskatchewan। लेकिन अगेन सर दैट्स अनदर टॉपिक, हम बाद में डिस्कस करेंगे, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। अगेन आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू, वो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं Saskatchewan पे, मैं उसको यहाँ पे कहीं वीडियो में अटैच कर दूंगा, आप कम्प्लीटली Saskatchewan को टच कर सकते हैं। मिस्टर नबील साहब ने एक्सप्लेन किया हुआ है काफ़ी डिटेल से, वो आप उसको देख सकते हैं जी सर। तो उसमें अब मतलब, लेकिन बाकी जिस तरह आपको लोगों को याद होगा कुछ ऐसा पहले, कुछ 1.5-2 साल पहले, लॉट ऑफ early childhood educators, lot of primary school teachers were invited by Nova Scotia who had 300 points. और अभी भी Alberta का ऐसा प्रोग्राम है एक्सप्रेस एंट्री का कि जिसमें वो कहते हैं कि अगर आपके पास 300 पॉइंट्स ज़्यादा हैं तो हम आपको इन्वाइट कर सकते हैं अंडर सर्टन NOC कोड्स। ओके, ठीक है, तो देखिए एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाने में कोई हर्ज नहीं है, एज लॉन्ग एज यू क्वालिफाई, आपका आपके पास IELTS है, आपके पास ECA है, आपके पास एक्सपीरियंस है वेरीफाइबल, आपके पास बैंक बैलेंस है वेरीफाइबल, no harm in applying and creating your express entry profile. ठीक है, as long as it's verifiable, मतलब कि आपके ठीक है आप, and you want to follow that in the future, मतलब आपको information, तो that is not an issue. तो वो again आप ये, this is how I would recommend, I'm in favor of creating the express entry profile for you if you guys are ready. If you are not ready, again contact us, we'll help you get ready and we go from there. Okay, sir, ये FST को थोड़ा सा explain करें, FST क्या है जी? FST अगेन मैं आ रहा हूँ थोड़ा सा उस तरफ आता हूँ, FST का मतलब होता है फेडरल स्किल ट्रेड्स। ओके, स्किल ट्रेड्स कौन से होते हैं? पीपल हु आर इन कंस्ट्रक्शन, पीपल हु आर इन
in supervisory jobs in production. Okay. People who are in food industry, food okay. and beverage processing वगैरह. ठीक है, तो जो construction में थे, construction में देखिए general construction, मोटा मोटा general construction supervisor. ठीक है, CNC machinist. आप कहते हैं welder, welder machine operators. आप कहते हैं a foreman. आप तो वो टूल रूम फोरमैन, मतलब इस तरह हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर. आप क्रेन चलाते हैं, आप बैक होश लाते हैं, आप ऐसा कुछ करते हैं. तो दीज आर ऑल इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, ड्राई वॉल फिटर्स, कॉन्क्रीट फिटर्स, लैंडस्केपिंग सुपरवाइजर्स, लैंडस्केपर्स, दीज ऑल कम अंडर फेडरल स्किल ट्रेड्स. ओके, ठीक है जी. तो ये फेडरल स्किल ट्रेड में इसका जनरली क्राइटेरिया काम होता है. ठीक है, लेकिन लेकिन इसमें आपको LMIA जरूर चाहिए होता है टू प्रोसेस योर एप्लीकेशन. ठीक है जी. तो सर इसमें एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल आपको क्रिएट करनी होती है? जी, इसमें बिल्कुल क्रिएट करनी होती है. ओके, सो दोनों में आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी है. प्रोफाइल जी सर, मैंने आपको पहले बताया प्रोफाइल क्रिएट करना में कोई हर्ज नहीं है. ओके, आप प्रोफाइल क्रिएट करें, आप प्रोफाइल पूल में रहने दें, डजंट मैटर, यू नेवर नो, कोई प्रोविंस आपकी स्किल को रिकग्नाइज करके आपको इनवाइट दे दें, यू नेवर नो. सर आपकी बात तो ठीक है, एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल क्रिएट करनी चाहिए, लेकिन मेरे जो दोस्त वीडियोस देख रहे हैं, आप जानते होंगे कि गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कंसल्टेंट हैं जो कि आपकी खाली प्रोफाइल क्रिएट कर देते हैं. ठीक है, और तो मतलब इसके डिसएडवांटेज भी तो है कि आपने प्रोफाइल क्रिएट की और आपका कुछ भी नहीं हुआ. बिल्कुल, देखिए मैं डिसएडवांटेज नहीं कहूँगा आपको. व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज़ यू आर ट्राइंग टू टेक अ लीप ऑफ फेथ. आप अपनी लक ट्राई करना चाह रहे हैं. ठीक है, जिस तरह आई नो, मैं खुद बहुत शुमार लोगों को जानता हूँ, जिस तरह आपको बता रहा हूँ कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स थी, मतलब या प्री स्कूल टीचर्स थी, उनको नोवा स्कोशिया ने आज से 2 साल पहले बेशुमार लोगों को इनवाइट दिया था. ओके, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि उनका 300-350 स्कोर था और उनको ये कहते हैं उनका वो NOC कोड 4214 ऐसा कोई NOC कोड था अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर का, उसमें उनको इनवाइट आ गई थी क्योंकि नोवा स्कोशिया को जरूरत थी. इसी तरह नर्सेज होती हैं. ठीक है, अगर आप रजिस्टर्ड नर्सेज हैं, नर्सेज को बहुत सारा इनवाइट आई थी, मतलब ठीक है जी. वेल्डर मशीन ऑपरेटर्स की पाकिस्तान कैनेडा में बहुत शॉर्टेज है. ठीक है जी, CNC मशीनरीज की बहुत शॉर्टेज है. ठीक है, एंड बाय द वे थोड़ा सा जस्ट लाइक टू ऐड कि वी अंडर द आवर सिस्टर कंसर्न एम्प्लॉयर कनेक्शन, we are working with employers in Canada to give job offers, take a real job offers on work permits to people like this, landscapers, welders, welder machine operators, heavy equipment operators. So we are going to give you good news ki we are having good jobs coming up, real jobs. My request is to everybody is get ready. क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं मेरे पास. आई गॉट अ रिज्यूमे वेरी फ्यू डेज अगो, एक्सलेंट कैंडिडेट, ओके, वन ऑफ दी स्ट्रीम्स, बट नीदर ही हैड आईज नॉर ही हैड ECA. अब व्हाट कैन आई डू, इट विल टेक अनदर 3-4 मंथ्स. ठीक है जी, नीदर ही हैड अ बैंक स्टेटमेंट. तो मतलब अगेन दीज आर थिंग्स वेयर वी हेल्प यू, गाइड यू. देखिए अगेन हमारी जॉब होती है आपको कस्टमाइज केस लेना. आपको हमने केस लेकर साइड पर रखना नहीं होता. वी आर नॉट अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए केस लेकर फाइल साइड पर चली गई. वी आर हेयर टू हेल्प यू, वी आर ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू. और अगर आपका केस हम नहीं ले सकते तो आप, Sulaiman knows it very well and my some of my clients, prospective clients know it very well, ki I clearly say ji, I cannot help you, Northwestern cannot help you, we are unable to help you. Right, yeah. So this is how we are, ki aapko we will strategize you, and then once you retain our services hota ye ki we are after you. कि सर ये डॉक्यूमेंट दे दो, ये डॉक्यूमेंट दे दो, ये करवा दो, ये करवा दो, ये करवा दो. अब मैनी ऑफ माई क्लाइंट्स दे आर डूइंग देयर लैंग्वेज टेस्ट. वी आस्क देम ऑन अ रेगुलर बेसिस कि जी का क्या अपडेट है, क्या अपडेट है, क्या अपडेट. आई कैन गिव यू एन एग्जांपल. वन ऑफ माई क्लाइंट्स, शी गॉट एन इनवाइट अंडर वेल्डर मशीन ऑपरेटर अबाउट लोकली फ्रॉम ऑन्टेरियो नॉमिनी प्रोग्राम. शी इज़ इनसाइड कनाडा और 360 सम पॉइंट्स पे, 360 some point, I don't want to say exact points, but 360 something pay, welder machine operator, 1 year experience inside Canada, she got an invite from Ontario Army program. Wow, okay. And this is not one client. I've got, एक को जनवरी में CNC machinist की आई थी, एक को मार्च में एक construction supervisor की आई थी, एक को welder machine operator आई थी. This is how we work. तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप तमाम दोस्तों को एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल ज़रूर क्रिएट करनी चाहिए. अगर आप खुद कर सकते हैं तो वेरी गुड, अदरवाइज़ आप हमारी भी सर्विसेज ले सकते हैं. मिस्टर नबील जो है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करने का. देखें, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो उससे बेटर है कि आपने अपनी फाइल लगाई हुई है और वहाँ से कोई होप है कि आपको जो है वो इमिग्रेशन आ सकती है. बाकी ऑफकोर्स जैसे सर ने बताया कि LMIA प्लस वर्क परमिट में भी जो है वो सर हेल्प कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक
हमारे पास कुछ ट्रेड्स हैं, सर आप थोड़ा सा ट्रेड्स को डिटेल में बताएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ आप लोगों को, सबको एवरीबडी हु इज लिसनिंग, के दोज हु आर इन हेल्थ केयर स्ट्रीम, ओके ठीक है जी, आपके पास डिग्रीज हैं, आपके पास आइल्स है, आपके पास एक्सपीरियंस है, मैं आपको सिर्फ छोटे छोटे मैं नाम लूंगा प्लीज, पीपल हु आर इन टू लेट्स से एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, ठीक है जी, पीपल हु आर प्रैक्टिकल नर्सेज, लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्सेज, रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल नर्सेज, पीपल हु आर इन ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, हु आर फिजिकल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, आपका हु आर इन कम्बाइंड लेबॉरेटरी एंड एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, या कहें क्लिनिकल जेनेटिक्स टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, या मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नीशियंस एंड पैथोलॉजिस्ट असिस्टेंट्स, ठीक है जी, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट्स, मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग टेक्नोलॉजी MRI टेक्नोलॉजिस्ट जो होता है, डायग्नोस्टिक कार्डियक सोनोग्राफर, ठीक है जी, कार्डियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट, फार्मेसी टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्नीशियंस एंड लेबॉरेटरी असिस्टेंट्स, अगेन एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन बता दिया मैंने, कंटिन्यूइंग केयर असिस्टेंट, साइकोलॉजिस्ट जिसमें लेकिन मास्टर्स एंड PhD किया हो जिन्होंने, एंड देन हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर, इफ़ यू आर इन टू हेल्थ फील्ड विद एन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड नर्सेज, कायरोप्रैक्टर्स, नर्स प्रैक्टिशनर, दीज आर सम स्ट्रीम्स दैट वी हैव ऑप्शंस, इफ़ यू हैव IELTS, you have ECA, you have experience, please connect with us, we will try to get you through, dekhiye these are things that we can do for you, so please connect with us, these are occupations, agar aapko detail chahiye aap Sulman ko message kare, email kare, we'll provide you the details, koi harj nahi hai creating a profile, again Sulman there was one more thing you were talking about, the cost of creating profile or something, right? Yes, right. Ke wo aapko wahan pe jo hai wo acche khase paise aap se le lete hain aapko profile create karne ke baad. जी देखिए अगेन यस उसमें मैं अगेन अब सलमान साहब मुझसे अभी ये डिस्कस कर रहे थे कि जी दुबई में और कतर में गल्फ कंट्रीज मोस्टली जो बैठे हैं दे टेक चार्ज लॉट ऑफ मनी टू क्रिएट अ प्रोफाइल वी डोंट डू दैट ओके ऑब्वियसली एक काम है उसका थोड़े से रीजनेबल कॉस्ट है सो अगेन बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट यू आर टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ इट इज समथिंग दैट यू आर रिलाइंग ऑन योर लक टू बी इनवाइटेड ठीक है जी दैट मे नॉट That may work. So again, वो जो हम काम करते हैं उसके थोड़े से पैसे लेके आपको बता देते हैं दिस इज वॉट वी आर डन उसमें जिस तरह हमारे पास बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बना दें साथ में हमारा स्केच बना दें ठीक है SIMP बना दें हम बता देते हैं ठीक है जी आपने आपने कहीं इस तरह कुछ करना है जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं वी कैन डू देम फॉर क्यूबेक तो हम प्रोफाइल अरे वहाँ पर बना देते हैं उनका मतलब वो तो दिस इज हाउ वी वर्क ऑन एट फिर वो तो ऑब्वियसली प्रोफाइल बनाने के कोई इतने पैसे नहीं होते एंड बिलीव मी वी आर नॉट दैट एक्सपेंसिव एज आई गेट लॉट ऑफ कॉल्स सुलेमान गेट्स लॉट ऑफ कॉल्स के जी XYZ कंसल्टेंट हैज फ्लीस देम फॉर सो एंड सो अमाउंट फॉर क्रिएटिंग अ प्रोफाइल वी डोंट डू दैट एग्जैक्टली ठीक है जी तो जो जेन्युइन पैसे हैं ट्रांसपेरेंट हैं वी जस्ट गाइड यू वी मेक अ प्रोफाइल एंड देन इफ इट डजंट वर्क आउट देन ऑब्वियसली वी आर हियर टू हेल्प यू गो फॉरवर्ड देन Got it. Sir, thank you so much. आपने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो explain किया तो दोस्तों अगर आपका कोई भी question है related to federal skilled worker programs या federal skilled trades के हवाले से आप नीचे हमें comments कर सकते हैं नीचे मैं contact number mention कर दूंगा और अगर आपकी हम हेल्प कर सकते हुए आप अपनी रेज्यूमे हमें सेंड करें अगर आपने अपना ECA कर लिया वो आप सेंड करें अगर आपने IELTS कर लिया वो आप सेंड करें उन तीनों चीज़ों को देखने के बिहाफ पे हम आपको बता सकते हैं कि वेदर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते अगर हम आपकी हेल्प कर सकते होंगे मिस्टर नबील साहब के साथ मैं जो है वो आपकी मीटिंग फिक्स करवा सकता हूँ जिसमें ये आपको मुकम्मल डिटेल से समझाएंगे कि किस तरीके से कर सकते हैं सो दोस्तों आपको ज़रूर जो है वो अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनानी चाहिए और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि काफ़ी अपडेट्स आई हैं इस वक्त IRCC काफी एक्टिव है और ये बेस्ट टाइम है अप्लाई करने के लिए तो थैंक यू सो मच सर